ओला इलेक्ट्रिक इस कंपनी का आईपीओ ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है एंड इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी बातें जो आपको हेल्प करेंगी स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करने में। ये बातें आपको हेल्प करेंगी वेदर आपको किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात, स्टार्टअप जो मर्जी बिजनेस करे बट स्टार्टअप अपने आप में एक बिजनेस मॉडल होता है। यहाँ पर सेल्स माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट नहीं होता, यहाँ पर प्रॉफिट होता है आपकी करंट वैल्यूएशन माइनस आपकी लास्ट वैल्यूएशन। अगर आंसर पॉजिटिव है दैट मींस आपने प्रॉफिट कमाया है, वेल्थ जनरेट करी है। अगर आंसर नेगेटिव है दैट मींस आपने लॉस कमाया है, वैल्यू डिस्ट्रॉय करी है। एंड माइंड इट, इस पर्टिकुलर फील्ड में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका काम ही होता है स्टार्टअप्स को बनाना। वो लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं, उसको एक थोड़ा बड़े लेवल तक लेकर जाते हैं एंड बाद में अपने आप को उस स्टार्टअप से इजेक्ट कर लेते हैं एंड प्रॉफिट कमा लेते हैं। भले ही वो स्टार्टअप कंटिन्यूसली लॉस जनरेट करती आ रही हो बट ये लोग उसमें से प्रॉफिट कमा लेते हैं। दूसरी बात, दैट जो ये स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं ये फंड रेजिंग के लिए इतने ऑब्सेस्ड होते हैं दैट कई बार क्या होता है दैट कंपनीज को डेट मिलता है, लोन मिलता है एंड ये कंपनियां बोलती हैं हमने फंड रेज कर लिया है डेट की फॉर्म में। ये कंपनियां इस तरह से रिएक्ट करते हैं दैट आपको इस लोन को रीपे ही नहीं करना। यहाँ पर मैं उस लोन के बारे में बात कर रहा हूँ जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होने वाला फ्यूचर में। कंपनीज को इस लोन को रीपे ही करना होता है, इसके लिए कंपनियां बोलती हैं दैट हमने फंड रेज कर लिया है डेट की फॉर्म में। अगली बात, दैट जो ये स्टार्टअप्स होती हैं ये अपने ऊपर से स्टार्टअप्स का टैग नहीं हटवाना चाहते, ये चाहते हैं दैट हमेशा इनके ऊपर स्टार्टअप का ही टैग लगा रहे। बिकॉज अगर आपके बिजनेस के ऊपर आपकी कंपनी के ऊपर स्टार्टअप का टैग लगा है तो जो आपका इन्वेस्टर होता है आपसे वो प्रॉफिट के बारे में कम ही क्वेश्चन पूछता है एंड अगर आपका मालिक आपसे प्रॉफिट के बारे में नहीं पूछेगा तो फिर आपको और क्या चाहिए। आई थिंक आप समझ रहे हो दैट मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगला पॉइंट, दैट जो ये स्टार्टअप्स होती हैं ये आईपीओ के लिए ऑब्सेस्ड होती हैं। इनका ड्रीम होता है दैट एक दिन हमको अपना आईपीओ लेकर आना है। एंड इसका मोटिव क्या होता है दैट जो भी ये स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं ये एक बिजनेस को खड़ा ही इसलिए करते हैं दैट एक दिन हमको इसका आईपीओ लेकर आना है एंड महंगे वैल्यूएशन पर अपने शेयर्स को नॉर्मल इन्वेस्टर्स को पकड़ा देना है। ये एक टिपिकल माइंडसेट होता है मैक्सिमम स्टार्टअप्स का। एंड आज की डेट में मैं आपको बता दूं दैट अगर आप 100 स्टार्टअप्स को देखोगे तो एक या दो ही स्टार्टअप्स आपको ऐसी मिलेंगी जिनका बिजनेस मॉडल वो बहुत ही सॉलिड होगा, इन्वेस्टर्स को उसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा दैट ये कंपनी आगे जाकर बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। एंड बाकी कंपनियों में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्ट ही इस पर्पज से करते हैं दैट ये एक स्टार्टअप है, अभी ये हमसे फंड रेज कर रही है, आगे ये किसी और से फंड रेज करेगी एंड ये तो श्योर है दैट आगे जाकर ये थोड़े से हायर वैल्यूएशन पर ही फंड रेज करेगी एंड जब भी ऐसा होगा तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एंड वो लोग सिर्फ इसी पर्पज से इन्वेस्ट करते हैं दैट अभी ये स्टार्टअप है, इन्वेस्ट कर दो, आगे जाकर जब ये किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से फंड लेगी तो और ज्यादा वैल्यूएशन पर लेगी तो हमारी वेल्थ और बढ़ेगी एंड एक टाइम ऐसा आएगा दैट ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, दैट जो भी ये स्टार्टअप्स होते हैं अप टू सर्टेन स्टेज इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता दैट अकाउंटिंग क्या होती है, जीएसटी क्या होता है, टैक्स कंप्लायंस क्या होता है। नॉर्मली दे डोंट केयर अबाउट लॉ ऑफ द लैंड। एंड जो भी ये स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं ये अपने आप को स्टार्टअप्स इसीलिए कहलवाना चाहते हैं दैट इनको एक किस्म से लाइसेंस मिल जाता है थिंग्स को मैशअप करने के लिए। एंड ये पर्टिकुलर सिचुएशन तब तक चलती है जब तक उस पर्टिकुलर स्टार्टअप में कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं आ जाता। बिकॉज जब भी कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में आता है तो उसका सबसे पहला काम होता है एक बिग फोर को लेकर आना एंड देन उस कंपनी का ऑडिट करवाना एंड बाद में ज्यादातर बिग फोर वाले स्टार्टअप्स का ही ऑडिट कर रहे होते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने आपको स्टार्टअप्स के फंड रेजिंग ऑब्सेशन के बारे में बात करी थी। इस चक्कर में कई बार क्या होता है दैट जो ये स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं ये कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस बना देते हैं जो इनको खुद पता होता है दैट ये अचीव नहीं कर सकते बट इनको आगे इन्वेस्टर को कन्विंस करना है, इनको आगे इन्वेस्टर को एक बहुत अच्छी रोजी पिक्चर दिखानी है। तो जो ये स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, जो ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं स्टार्टअप्स के, ये अनअचीवेबल प्रोजेक्शंस दिखाकर बड़े इन्वेस्टर से फंड तो रेज कर लेते हैं लेकिन बाद में इनको वो पर्टिकुलर चीज जो इन्होंने पहले दिखाई हुई होती है उसको अचीव करना बहुत दिक्कत वाली बात होती है। मोस्टली कंपनियां तो वो अचीव कर ही नहीं पाती। एंड उस केस में क्या होता है, उस केस में जो ये फाउंडर्स होते हैं, जो बिजनेस जनरेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर बोर्ड मीटिंग में ऐसी बेइज्जती करता है दैट थोड़े टाइम बाद बोर्ड मीटिंग्स में लिटरली गालियां चल रही होती है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, ये बात इन्वेस्टर को भी पता होती है दैट जो ये प्रोजेक्शंस मेरे पास लेकर आ रहे हैं ये इसको कभी अचीव नहीं करने वाले। एंड वो बंदा भी इन्वेस्ट सिर्फ इसलिए करता है दैट आज ये मुझसे फंड रेज कर रहे हैं, आगे ये किसी और से फंड रेज करेंगे एंड ज्यादा वैल्यूएशन पर फंड रेज करेंगे।
तो वो बंदा भी स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। बट ये एक ऐसा टाइम होता है जब इन्वेस्टर एंड स्टार्टअप दोनों के बीच में हेड टू हेड चल रहा होता है। एंड अगर कोई स्टार्टअप इन सारी स्टेजेस को पार कर जाती है एंड अपना आईपीओ लेकर आ जाती है, तो वो स्टार्टअप एक किस्म से एक काफी अच्छे लेवल पर पहुंच जाती है। वहां पर काफी ज्यादा चांसेस होते हैं दैट उस पर्टिकुलर स्टार्टअप का बिजनेस वो आगे बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है, बिकॉज इस टाइम तक काफी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ चुके होते हैं। जो कंपनियां होती हैं उनके प्रोसेसेस स्ट्रांग हो चुके होते हैं, अच्छा स्ट्रांग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एंड वो कंपनियां एक किस्म से चलने लग जाती हैं। एंड हाँ, एक बात और, दैट जो भी ये स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, ये कभी भी नहीं चाहते दैट कोई भी इनसे प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। आपने पेटीएम के बारे में सुना था दैट जब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही थी तो ये प्राउडली बोलती थी दैट अभी हम कंटिन्यूसली लॉस करते आ रहे हैं, आगे भी हम लॉस करते रहेंगे। एंड बाद में क्या हुआ हम सबको पता है। एंड ऐसे ही जो ये स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, ये किसी भी बिजनेस वर्टिकल को जब चाहे उस टाइम उसको क्रिएट कर सकते हैं एंड जब चाहे उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर पैसे इनके नहीं लगे होते, पैसे किसी और के लगे हुए होते हैं। तो एक लेवल के बाद इनको एक किस्म से जो बिजनेस होता है उससे अटैचमेंट तो बिल्कुल ही हट जाती है। अब हम ये सारी चीजें ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं दैट कहाँ कहाँ पर ये चीजें इस कंपनी के ऊपर फिट बैठती हैं। सो नाउ लुक एट दिस कंपनी। इस कंपनी ने विद इन फ्यू इयर्स काफी सिग्निफिकेंट साइज अचीव कर लिया है, बट ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करने में स्ट्रगल कर रही है। ऐसे ही जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, आज की डेट में आप YouTube वीडियो देखो, टेलीविजन पर जो न्यूज आती है उसको देखो, काफी सारे लोग बोल रहे हैं दैट इस कंपनी का जो फाउंडर है वो बिजनेस तो बड़ा कर लेते हैं बट उसको प्रॉफिटेबल नहीं बना पाते। ऐसे ही बहुत सारे लोग बोलते हैं दैट ये नए नए सेगमेंट में इंटर तो कर जाते हैं बट उसको बहुत बड़ा नहीं बना पाते एंड उसको प्रॉफिटेबल भी नहीं बना पाते। ये पेटीएम के केस में भी सिमिलर था, बिकॉज पेटीएम किसी एक पर्टिकुलर चीज की स्पेशलिस्ट नहीं थी, काफी सारी चीजों में घुसी हुई थी। ऐसे ही ओला के केस में हमें देखने को मिल रहा है। अब जो ये ओला इलेक्ट्रिक है काफी बड़ी कंपनी है बट अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर ये कंपनी अपने आप को स्टार्टअप बोलना बंद कर दे तो आप देखो इस कंपनी की क्या हालत होगी। ये कंपनी अभी भी अपने आप को स्टार्टअप इसलिए बोलते हैं दैट कोई भी इस कंपनी के लॉस के बारे में ज्यादा बातें ना करें, बिकॉज जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, जो भी स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, एक बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना, आगे जाकर उसको बेच देना। ये ज्यादातर स्टार्टअप्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कुछ टाइम पहले कंपनी बनी, बहुत बड़ी कंपनी बन गई, प्रॉफिट कमाना शुरू नहीं किया है एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड जो इस कंपनी के फाउंडर हैं वो अपने सबसे ज्यादा शेयर्स बेचने वाले हैं इस आईपीओ के थ्रू। अगर आप एक ऐसा बिजनेस रन कर रहे हो जिसका आपको लगता है दैट फ्यूचर में ये बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है तो फिर आप उस कंपनी में अपने शेयर्स बेचोगे, ऐसा चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे ही आप इस कंपनी को इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के साथ देखो। इस कंपनी ने अपने आईपीओ पेपर में काफी अच्छी अच्छी कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है। मेरे हिसाब से ये जो ओला इलेक्ट्रिक है अपने कॉम्पिटिशन में कहीं स्टैंड नहीं करती। आप स्टार्टअप का नाम हटा दो, बिकॉज जो बाकी कंपनियां हैं जो इसी कॉम्पिटिटर हैं वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं, उनका बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करे हुए हैं। एंड आप ओला की इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बाकी कंपनियों की इलेक्ट्रिक व्हीकल को कंपेयर करके देखो, आपको इस कंपनी से बेटर क्वालिटी वाली कंपनियां ऑलरेडी मिल जाएंगी जो इस कंपनी से सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं। तो वैल्यूएशन की भी बात कर लेते हैं। अब ये कंपनी प्रॉफिट तो कमा नहीं रही है बट नॉर्मली आज की डेट में मार्केट में क्या चल रहा है दैट ये कंपनी 6 से 7 गुना एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो आप इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर किसी कंपनी के शेयर को क्यों खरीदोगे, थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है फ्यूचर में आपको ये सस्ते वैल्यूएशन पर मिल जाए। बिकॉज ये कंपनी खुद ही बोल रही है दैट अभी हम लॉसेस कर रहे हैं, आगे भी काफी लंबे टाइम तक हम लॉसेस ही करते रहेंगे। एंड आप आज की मार्केट देखो, मार्केट बूम कर रही है एंड फ्यूचर में जब थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिलेगा तो एक ऐसी कंपनी जो कंटिन्यूसली लॉसेस ही करती जा रही है उसका क्या हाल हुआ होगा। आपको अभी ये इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट आप पेटीएम को देखो तो ये इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है। सो इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना ये आपका डिसीजन है, अपना डिसीजन सोच समझ कर लें। बट मेरे हिसाब से कोई एक ऐसी कंपनी जो बोल रही है दैट हम अभी लॉसेस में हैं, आगे भी लॉसेस में रहेंगे, तो आपको उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने में कोई जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज क्या पता आगे आपको बेटर प्राइस में उस कंपनी के शेयर्स मिल जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।